अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तमाम मालूमात इंटरनेट और मेरी जाती तहकीक और मुताले पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपको मशवरा है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपने तौर पर रिसर्च और मालूमात इकट्ठी कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपकी की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट के नफा नुकसान चोरी वगैरह के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नए आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं सबका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो लास्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप फ्यूजन नेटवर्क को मेटामास्क में कैसे ऐड कर सकते हैं। हमने फ्यूजन नेटवर्क को भी ऐड करना सीख लिया, पॉलीगॉन को, BSC को, उसके बाद हमने जो है एवलॉन्च को, मीन्स 6 से 7 नेटवर्क हमने मेटामास्क में ऐड करना सीख लिए हैं। बहुत इजीली आप इसको ऐड कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। तकरीबन तरीकेकार सबके जो है वो मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे इस वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने वीडियोस बनाई हुई तकरीबन आपको 36 वीडियोस हो चुकी है मेटामास्क रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी अगर आपको नहीं मालूम कि कैसे अपने नेटवर्क को ऐड करना। आज जो है एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि सर मेटामास्क में EOS टोकन को कैसे ऐड कर सकते हैं। जो टोकन को जो है मैंने ऐड करना पहले भी सिखाया हुआ आपको कि अगर आपने कस्टम टोकन को ऐड करना है तो वो कैसे करना है। प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वीडियोस में दी हुई है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो मैं आज जो है वो वीडियो बना रहा हूँ दोबारा EOS टोकन को ऐड करने की। EOS टोकन आप कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन सी चेन को जो है वो पहले कनेक्ट करना है। इस वीडियो को मैं बता रहा हूँ, तो इस वीडियो में आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीख लेनी है ताकि आने वाले टाइम में आपको ये काम आ सके। सबसे पहले जो हमने मेटामास्क को लॉगिन कर लेना, मैं सबसे पहले मेटामास्क लॉगिन कर रहा हूं। यहां से आपने इसको अनलॉक कर लेना। अगर आप पासवर्ड डालेंगे, आपका पासवर्ड ठीक होगा तो आपका वॉलेट अनलॉक हो जाएगा। वॉलेट को अनलॉक करने के बाद हमने एक्सपेंड व्यू पे चले जाना है। ठीक है, एक्सपेंड व्यू पे जाना है तो आपके पास मेन इंटरफेस आ जाएगा मेटामास्क का। अब हम ओपन करेंगे कॉइन मार्केट कैप और वहां से जाके सबसे पहले EOS टोकन को सर्च करेंगे। अभी हमारे पास मार्केट कैप ओपन हो गई है और अभी बिटकॉइन की प्राइस है $46,935 और हम EOS को देखते हैं कि टॉप 50 लिस्ट में आता है EOS कि नहीं आता। टॉप 50 लिस्ट में EOS 30, 40, 50 में तो नहीं आता। खैर 51 पे है EOS, यहाँ पे आ रही है। देखें EOS टोकन यहाँ पे आ रहा है, इसकी प्राइस जो अभी $3.12 है। 24 आवर्स में 4% गिरा है और 7 डेज में 6% भी गिरा है। टोटल मार्केट कैप ये है, वॉल्यूम ये है और सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है। अब हम क्या करेंगे, EOS को ओपन करेंगे। EOS जो है $3.12 का, ये इसका जो ऑल टाइम चार्ट है वो ये ओपन हो चुका है और अभी ये काफी डाउन है। अगर हम ऑल पे जाके क्लिक करें तो तकरीबन $22 पे था ये कॉइन जो अभी $3 का। इसका ऑल टाइम हाई और लो चेक करना अगर हमने तो ऑल टाइम लो जो है इसका 48 सेंट है तकरीबन 4 साल पहले और ऑल टाइम हाई जो है इसका 4 साल पहले ही था तकरीबन $22। 86% डाउन है अपने मेन ऑल टाइम हाई से। खैर ये आपके पास की वेबसाइट है, वेबसाइट को भी आप चेक कर सकते हैं जहाँ से जाके आप मेन जो है इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। EOS के बारे में जो है डेवलपमेंट है, इनकी जो है कम्युनिटी इवेंट सारा कुछ आप यहाँ से गेट कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन अगर आपने लेनी है तो इस वेबसाइट पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। खैर हम जो है टोकन को ऐड करना शुरू करते हैं। टोकन को कैसे ऐड करना है, सबसे पहले आपने जब टोकन को ऐड करना तो आप यहाँ पे देखते हैं ये किस चेन का है। यह है बाइनेंस स्मार्ट चेन। किसका है? बाइनेंस स्मार्ट चेन। अभी हम कॉन्टैक्ट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये BSC स्कैन पे ले जाएगा। यहाँ पे देखें बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अभी हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन पे लेके जा रहा है। ये बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है हमारे पास ओपन हो रही है।
अब आपने सबसे पहले मेटामास्क में करना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपके पास है, डेसिमल आपके पास है। मेटामास्क में जाके आपने सबसे पहले नेटवर्क को देखना है। अब जैसे ये एफएसएन नेटवर्क है फ्यूजन का, तो इस पर अगर हम इसको पर हम ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा। मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। इम्पोर्ट टोकन में जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके मैं जब इसको पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ये सिंबल मस्ट बी 11 कैरेक्टर टू पेयर, क्योंकि ये इसके नेटवर्क का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं है। तो अगर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ठीक होता, सही नेटवर्क सेलेक्ट होता, तो ऑटोमेटिक ये दोनों चीजें फिल होनी थी। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस पे जाऊंगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले नेटवर्क चेंज करना है। नेटवर्क कौन सा हमारा होना चाहिए, बाइनेंस स्मार्ट चेन, वो हमने ऐड किया हुआ है बी एस सी मेन नेट। यहाँ पे देखें बी एस सी मेन नेट का आपने जो है नेटवर्क को ओपन कर लेना या उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यह है एफ एस एन मेन नेट, बी एस सी मेन नेट को आपने क्लिक कर देना। जब इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क ओपन हो जाएगा। अब हम जब इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है, डेसिमल इसका ये है और टोकन का जो सिंबल है वो इस जगह पे आ रहा है ऊपर, ठीक है। अब हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम दोबारा जाएंगे और सेम उसी तरह इम्पोर्ट टोकन में आपने जाना है। इम्पोर्ट टोकन पे आपने क्लिक करना है, इम्पोर्ट टोकन पे क्लिक करें। अब देखिए अगर मैं कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो हमसे ये टोकन सिंबल वगैरह कुछ नहीं मांगे। यहाँ पे देखिए टोकन सिंबल ऑटोमेटिक इसने कनेक्ट कर लिया और टोकन डेसिमल भी इसने अपने पास ऑटोमेटिक जो है वो शो कर दिया। ये एडिट के ऑप्शन है, आप एडिट भी कर सकते हैं अगर अपने हिसाब से करना चाहते हैं नाम को, लेकिन इसने ऑटोमेटिक ये दिया, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ठीक है, टोकन सिंबल भी ठीक है और टोकन डेसिमल भी ठीक है। क्रॉस चेक करना है, दोबारा आप चले जाएं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया, ये आपका ठीक है और ये टोकन डेसिमल आपका आ गया। इनकी वेबसाइट भी देखिए आ रहा है http://eos.io और टोटल होल्डर्स कितने हैं, 25,985 होल्डर हैं, ट्रांसफर इतना हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कॉइन से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब ट्रांजेक्शन हो रही है। थोड़ी देर पहले 313 टोकन जो ट्रांसफर हुए हैं इधर से उधर हुए हैं, तो ट्रांजेक्शन वगैरह भी हो रही है। होल्डर्स में जाएंगे तो होल्डर पे भी आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसके पास है। बीएससी टोकन हब है, उसके पास क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, ये क्वांटिटी उनके पास तकरीबन 13% है, बाकी इस एड्रेस में पड़ी है 9%, 7%। तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। खैर अब हम जाते हैं दोबारा मेटामास्क में, करने बाद आपने इसको ऐड कस्टम टोकन पे क्लिक कर देना। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ईओएस आ गया है और हम इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम मेन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास ये टोकन शो हो गया। तो फिर ये तरीकाकार था इसको ऐड करने का ईओएस का। मुझे उम्मीद है कि जिस सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था सर ईओएस टोकन को मेटामास्क में कैसे ऐड कर सकते हैं, आपको तरीकाकार मैंने पूरा समझा दिया स्टेप बाय स्टेप। आपने एक चीज का खास ख्याल करना, जिस चेन का टोकन होगा उसी चेन को पहले आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद जाके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करना है। जैसे मैंने बीएससी मेन नेट को यूज किया, इसी तरह आप लेट्स सपोज एवलांच का नेटवर्क यूज करना चाहते हैं, उसका टोकन ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके नेटवर्क को आपने कनेक्ट करना, या थीम बेस करना चाह रहे हैं तो थीम के नेटवर्क को आपने करना। तो व्यूअर्स अगर आपके इस वीडियो से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना है ताकि मेरी नए आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और जिन लोगों को टेक्निकली तौर पर वॉलेट को यूज़ नहीं करना आता वो भी सीख जाए। मिलता है अपने कल की एक नई वीडियो में। अल्लाह।